Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey, and in today's class, we are going to discuss textual question answers of the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Guys, this is part 1, and in part 2, I will give you uh, short answer type additional question answers. So, must watch that video also. So, let's start this with question 1.

बहुत ज़्यादा तापमान से बहुत ज़्यादा सूख चुकी है एंड बढ़ते हुए डिजर्ट्स इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स यानी कि डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि बिल्कुल ऐसे लैंडस्केप्स जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ की वाइटिलिटी की कमी है एंड एलिंग एनवायरनमेंट यानी कि पुअर हेल्थ में जो हमारा एनवायरनमेंट है ऐसा हम छोड़ेंगे किसके लिए अपने आगे आने वाली जेनरेशन्स के लिए नेक्स्ट इज अ थ्री ईयर स्टडी यूजिंग सेटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाई द यूनाइट नेशंस वैट द एन्वायरमेंट हेज डिटीरियोरेटिड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द एटी एट कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड यानी कि तीन साल की जो सेटेलाइट के थ्रू या जो एरिया वाइज जो फोटोग्राफी हुई थी यूनाइट नेशन्स के द्वारा उसमें यह वॉन् गया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इतना डिटीरियोरेट हो चुका है इतना खराब हो चुका है इतनी बुरी तरह से बहुत क्रिटिकल uh, कंडीशन है 88 कंट्रीज का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उससे ये पता चला था नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट अ केज इन द ज़ू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई तो जो नोटिस लगा हुआ था वर्ल्ड का डेंजरस एनिमल कहाँ पे लुसाका के केज में, uh, में जो जू में जो नोटिस था वो क्या बताता है सो द नोटिस वर्ल्ड बींग्स जो है वो एकमात्र जिम्मेदार इंसान है किसके लिए डिटेरियोरेशन इन एनवायरमेंट एंड डिप्लूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस यानी कि हम जो हैं ह्यूमन बींग्स वो सॉरी <coughs> वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए डिटेरियोरेशन के लिए यानी कि खराब कर दी है हमने किसको धरती की जो हेल्थ है एनवायरनमेंट जो है उसको पूरी तरह खराब कर दिया है एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज को हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है ओवर यूज किया है उनका दस मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इसलिए और कोई नहीं केवल हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्या है डेंजरस एनिमल है नेक्स्ट इज हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बींग डिप्लीटेड कैसे खराब होता जा रहा है जो बायोलॉजिकल सिस्टम uh, है अर्थ का द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर बींग डिप्लीटेड बाई एक्सेसिव यूज जब हम हम उसको हम रिसोर्सेज को हर एक चीज को किसी भी चीज़ को अति जब हो जाती है बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या होता है वो खराब होने लगता है डिप्लीट होने लगता है फिशिंग इज क्वाइट कॉमन हम बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग करते हैं दैट ओवर फिशिंग दिस पॉइंट इज नॉट हियर ओवर फिशिंग इज क्वाइट कॉमन हम बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं फॉरेस्ट आर बींग कट टू ऑपटेन फायर वुड फॉर कुकिंग एंड हम फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं डे बाई डे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है फॉरेस्ट को हम कट करते जा रहे हैं केवल और केवल फायरवुड के लिए सो so, हम क्या करते जा रहे हैं जो ग्रास लैंड है चारा गह है वो किसमें बनते जा रहे हैं बैरन वेस्टलैंड बैरन यानी कि जिस धरती पे कुछ भी ना उगता हो वेस्टलैंड मतलब धरती पूरी तरह से विहीन होती जा रही है ग्रास के बिना एंड क्रॉप लैंड्स भी क्या होती जा रही है खराब होती जा रही है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं वो एक डैमेज कंडीशन में उनको छोड़ देते हैं क्रॉप लैंड्स को क्योंकि हम क्या करते हैं ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वहाँ पर यूज करते हैं तो वो लैंड डे बाई डे क्या बनती जाती है वो इम्पेयर्ड होती जाती है उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट होती जाती है यानी कि खराब होती जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन why does the author agree that the growth of world population is one of the strongest factors deteriorating distorting the future of human society so क्यों ऐसा ऑथर इस बात पे एग्री है कि ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ने बढ़ने की वजह से ये सबसे बड़ा फैक्टर है किस चीज़ का ह्यूमन सोसाइटी को ख़राब करने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है पॉपुलेशन है बर्बाद कर देने का एक तरह से सो द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पुट्स अ सीवियर स्ट्रेन ऑन अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी धरती पे भी क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम पे भार बढ़ता जाएगा एक तरह से स्ट्रेन बढ़ता जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन क्लेम्स दीज रीच एन अनसस्टेनेबल लेवल वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज डैमेज तो क्या होगा अगर हम एक्सेसिवली ह्यूमन्स क्या करेंगे यूज करेंगे रिसोर्सिस को तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा एक अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुँच जाएगा अनसस्टेनेबल का मीन्स होता है नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड जिसको मेंटेन ना किया जा सके इन प्योर हिंदी यू कैन से अरक्षणीय जिसकी रक्षा ना की जा सके वेर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ डैमेज एंड उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उत्पादकता जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी ख़राब हो जाएगी डैमेज हो जाएगी डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो अगर इसी तरह से आ, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विकास पॉसिबल नहीं है सो so, सो so रेपिडली उतना तेजी से जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से कंटिन्यू होती रही तो इनक्रीजिंग पॉपुलेशन ब्रिंग्स हंगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो किसको न्यौता देती है हंगर को हंगर यानी कि भूखमरी गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी नाउ some long questions why does call the earth the the earth ailing ailing planet planet how can the planet survive सम लॉन्ग क्वेश्चन अर्थ chapter एलिंग author प्लानी वो क्या बोलते हैं earth को ailing planet यानी कि जो प्लेनेट है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है हाउ कैन द एलिंग प्लेनेट सर्वाइव अब ये जो पुअर हेल्थ में जो प्लानट है ये सर्वाइव कैसे करेगा सो द साइंस ऑफ द अर्थ कनेक्टेड विदेसरी फॉर शो दैट द अर्थ इज अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ तो हम अगर ये देखें अर्थ जो है वो किससे कनेक्टेड है लाइफ से लाइफ प्रोवाइडिंग है लेकिन ये अगर हमारे जिंदा रहने के लिए अर्थ जो है वो बहुत जरूरी है लेकिन अभी क्या है इसकी जो कंडीशन है वो कैसी है एक पेशेंट की तरह जिसकी हेल्थ डिक्लाइनिंग यानी कि डे बाई डे खराब होती हुई हेल्थ है इट्स डेजर्ट्स आर एडवेंसिंग यानी कि जो डेजर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लैंडस्केप्स आर बीइंग इंपोवरिशड लैंडस्केप्स जो हैं वो क्या है इंपोवरिशड यानी कि उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है डिपराइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनवायरनमेंट जो है चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या है एलिंग यानी कि, कि वो बीमार है सो एरियल फोटोग्राफी यूज्ड सेटेलाइट्स हेज़ रिवील्ड दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटीरियोरेटिड वेरी बैडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में जब ये सर्वे करवाया गया इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे हमें पता चला कि ये हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुका है ख़राब हो चुका है

प्रकृति की रक्षा करने वाला होगा डेवलपमेंट इस हिसाब से हो कि वो प्रकृति का रक्षक हो, ओके? यानी कि इको फ्रेंडली हो एंड ग्रीन मूवमेंट अगर हम ग्रीन मूवमेंट चलाएं यानी कि बहुत सारे पेड़ लगाएं तो हमारी धरती जो है जो कि एक एलिंग प्लेनेट बन चुकी है वो क्या कर लेगी वो सरवाइव कर जाएगी जिंदा रह सकती है people must discharge their moral responsibility as stewards of planet and trustees of the legacy of the future generations so people ko ye ek charge lena padega kis cheez ka ki unko ye sochna padega ये हमारी moral responsibility है कि हम leadership करें किसकी अपने planet के एक तरह से leaders बने trustees बने और future generation तक इस legacy को लेकर के जाएं कि ये धरती जो है ये क्या है हमारी ये जो हमारा प्लैनेट है ये हमारा प्लानट है इसको हमें अपने प्लानट की तरह इस तरह ट्रीट करना है ताकि ये एलिंग कंडीशन से बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में आ जाए द प्लानिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कंट्रोल्ड जो हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उसको हमको क्या करना है कंट्रोल करना है दीज मस्ट बी प्रिजर्व फॉर द फ्यू फ्यूचर जनरेशन और हमको ये सोचना है कि हमको इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए ताकि ये थोड़े बहुत बचे रह सकें फ्यूचर हमारी कमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी

फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड चार बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सिस्टम्स हैं दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का ये बेस बनाते हैं एंड ये फूड एंड रॉ मटीरियल्स हर एक इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं These बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर being depleted by excessive use. हम इसका बहुत बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये सिस्टम क्या है डिप्लीट होते जा रहे हैं डे बाई डे

ये कंडीशन हो गई है ग्रास लैंड आर टर्निंग इन टू डिजर्ट एंड प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉपलैंड इज डिक्रीजिंग एंड क्रॉपलैंड से जो भी प्रोड्यूस यानी कि जो भी हमको मिलता है उत्पादन वो डे बाई डे घटता जा रहा है क्योंकि लैंड जो है वो वेस्ट लैंड में या बैरन लैंड में बदलती जा रही हैं इट सीन्स दे हैव लॉस्ट देयर प्रोडक्टिविटी और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी उत्पादकता खो दी है द डेसीमेशन ऑफ फॉरेस्ट इज लाइकली टू कॉज एक्सटेंशन ऑफ सेवरल स्पीशीज़ क्या होता जा रहा है डे बाय डे जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म हो रही है उनसे क्या हो रहा है बहुत सारी स्पीशीज जो है वो खतरे में पड़ती जा रही हैं उनका अस्तित्व खतरे में है वी मस्ट चेंज आर आउटलुक एंड स्टॉप ओवर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज तो हमको हमारा जो आउटलुक है उसको कंप्लीटली चेंज करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज कम करना होगा वी हैव टू हैंड दम ओवर टू द कमिंग जनरेशन इन अ हेल्दी स्टेट सो दैट दे कैन मीट देर नीड्स हमको क्या करना होगा अगर हमको इन सारी चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज को कमिंग जनरेशन को हेल्दी स्टेट में सौंपना है ताकि उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सकें मीट देयर नीड्स यानी कि वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें अगर हम अभी ओवर यूज़ करके इनको ख़त्म कर देंगे तो हमारी कमिंग जनरेशन का क्या होगा कॉन्शियसनेस ऑफ आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज केयर टेकर लेगेन टू प्रिजर्व दीज नॉन रिनीस अगर हम बहुत कॉन्शियसनेस के साथ काम करें और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हम क्या है हमको एक केयर टेकर की तरह काम करना है किसके साथ हमारे प्लानट को एक केयर टेकर की तरह रखना है कि हम उसके केयर टेकर हैं एंड हमारे बच्चों को हमको क्या करना है प्रिजर्व करके ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना है एंड नॉन रिनेबल रिसोर्स को प्रिजर्व करना है और अपनी कमिंग जनरेशन को हेल्दी स्टेट में सौंपना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट फॉर फॉलो एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ दिस रिमार्क इन द लाइट ऑफ रीडिंग द एलिंग प्लान द ग्रीन मूवमेंट रोल तो जो ये स्टेटमेंट है इसका आ, इस चैप्टर के इस चैप्टर में क्या इससे इसकी लाइट में हमको इसको मतलब इस रिमार्क को हमको इसकी वैलिडिटी शो करनी है जो ये रिमार्क है इसकी इस चैप्टर के संदर्भ में ये ये रिमार्क ये क्या कहता है सो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ फॉरेस्ट जो है वो क्या है वो इस अर्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सिस्टम है दे केम इन टू एक्जिस्टेंस मच बिफोर मैनकाइंड और वो मैनकाइंड से भी बहुत पहले आ चुके थे यहाँ पे इन दिस सेंस फॉरेस्ट प्रसीड मैनकाइंड अगर इससे देखा जाए तो मैनकाइंड से भी पहले कौन थे फॉरेस्ट वी हैव इनहेरिटेड लार्ज ऑफ़ फॉरेस्ट फ्रॉम फोर फादर्स और हमने ये फॉरेस्ट किससे लिए हैं लेगेसी में यानी कि विरासत में हमें किससे मिले हैं हमारे पूर्वजों से फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन तो किसके पावर हाउस हैं ये इवोल्यूशन के सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन देम बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उनका अस्तित्व है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट हैं तो उनका अस्तित्व उन स्पीशीज का उन जातियों का अस्तित्व है द वर्ल्ड एंशंट इन्हेरिटेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ वियरिंग अवे एट द रेट ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकर पर ईयर अब जो वर्ल्ड के जो सबसे पुराने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं वीयर अवे इज अ फ्रीजल वर्क यानी कि घिसते जा रहे हैं वॉर्न अवे कह देते हैं हम कपड़ों के लिए कहते हैं वॉर्न अवे नाउ दिस इज वार्न अवे घिस चुका है फेंक दिया है मैंने लाइक दैट तो फॉरेस्ट भी यू कैन से खत्म होते जा रहे हैं

जलाने वाली लकड़ी की तरह लकड़ी की वजह से इनको खत्म किया जा रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट अ फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000 और अभी हम 2020 में हैं और ये जो बात है ये कब की है ये 2000 की बात हो रही है ये एस्टिमेट किया गया है कि पांच गुना इंक्रीज अगर हो जाए फॉरेस्ट प्लांटिंग तब ही टू थाउजेंड तक ये नीड पूरी हो सकती है लेकिन तो भी अभी हम टू थाउजेंड ट्वेंटी में हैं उससे बीस साल आगे की बात इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एस इजी टू ईजी एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सो so, हम क्या कर सकते हैं ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इम्प्रूव करे जो एनवायरनमेंट कंडीशन एनवायरमेंट की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करे एंड उसकी एक सेफ गार्ड की तरह रहे जो कि फॉरेस्ट लगा के वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट अगर होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी इम्प्रूव होगी हाउ एवर लार्ज एरियाज नेम्ड एज द फॉरेस्ट एंड लैंड आर नाउ ट्री लेस और बहुत बड़े बड़े जिनको हम बहुत बड़े बड़े एरियाज जिनको कभी फ़ारेस्ट कहा जाता था आज वो क्या है पूरी तरह से ट्री लेस हैं वहाँ पर ट्रीज हैं ही नहीं एज द फॉरेस्ट डिसअपियर डिज़र्ट्स विल फॉलो तो जैसे जैसे अगर फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं फॉरेस्ट गायब होंगे तो क्या होगा उनकी जगह कौन लेगा डेजर्ट उनकी जगह डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान उनकी जगह ले लेंगे वी मस्ट टेक टाइमली स्टेप टू प्रिवेंट दिस और इसको रोकने के लिए हमको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कौन से कि हमको पेड़ लगाने हैं अगर हमको डिजर्ट से बचना होगा अब आइए आप इस क्वेश्चन पे सो वॉट वॉज दिस क्वेश्चन की फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड यानी फॉरेस्ट जो है वो मैनकाइंड से पहले आए थे और यही मैनकाइंड को आगे बढ़ाएंगे लेकिन डिजर्ट्स क्या करेंगे डिजर्ट्स अगर ये फॉरेस्ट नहीं होंगे तो डेजर्ट्स आगे से आगे बढ़ते जाएंगे एंड हमारा भी जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द Planet ELUCIDATE तो इस स्टेटमेंट के संदर्भ में हमको क्या बताना है एलुसिडेट करना है यानी कि एग्जांपल के साथ हमको इसको अ uh, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को इन द 20th सेंचुरी देयर हैज बीन अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन ह्यूमन परसेप्शन तो 20th सेंचुरी के साथ ही क्या बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आए ह्यूमन थॉट्स में ह्यूमन परसेप्शंस में वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस और टाइमली टाइम के साथ-साथ हम चहुं ओर विकास के बारे में सोचने लगे द अर्थ इज नाउ रिगार्डेड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ विच वी आर पार्ट्स और ह्यूमन्स ये सोचने लगे अब कि धरती भी क्या है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिज्म है जिसके हम एक इकलौते पार्ट हैं हम उसके हिस्सा हम उसका हिस्सा हैं एंड इट हैज़ इट्स ओन मेटाबोलिक नीड्स इसकी खुद की भी परिवर्तनकारी ज़रूरतें हैं एंड कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इसको जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्वड एंड जिनका जिनकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनको सुरक्षित भी रखना चाहिए द एन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरि इंडिकेट आर डेथ इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर तो ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये केवल हमारी डेथ के लिए डेथ ही नहीं इंडिकेट करती बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को हम क्या देंगे ये भी हमें सोचने पर मजबूर करती है अ न्यू वर्ल्ड विजन हैज इमर्ज लेकिन अब वर्ल्ड में क्या है एक नया विजन एक नया सपना इमर्ज होता जा रहा है उत्पन्न होता जा रहा है

जानने लगे हैं धरती को एक कलेक्शन के रूप में एक कलेक्टिव यानी कि वो हम वो हम उसके आइसोलेटेड पार्ट्स नहीं है यानी कि अलग थलग हिस्से नहीं बल्कि हम भी उस प्लेनेट का एक हिस्सा हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इस विजन को क्या कहा गया ये इरा किस चीज का है एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि यहाँ पे सबको अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस राइटर्स हैव बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिजर्विंग द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सिज तो सभी इस इरा में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ चुके हैं कौन इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस राइटर्स एवरीबडी एंड हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना पड़ेगा नॉन रे रिन्यूएबल रिसोर्सिस जो भी हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए So, students, in the next video, we will discuss short answer type questions that will be part two, and soon it will be uploaded. So, stay connected. Thank you so much.